एक नजर हेडलाइंस पर। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है बीजेपी। फिल्मी सितारों के बीच पीएम मोदी का सवाल, कैसा है जोश। प्रयागराज स्टेशन पर गंगा गोमती में छात्रों ने की तोड़फोड़, जीआरपी ने बरसे लाठियां। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली कोलकाता में विपक्षी महागठबंधन की रैली में शनिवार को शामिल हुए अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही कर सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के एम्स से लौटने पर उनको पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने अब सीमा पार कर दी है क्योंकि उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने सिन्हा को अवसरवादी बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसका संज्ञान लेगी। मुंबई के फिल्म प्रभाग कार्यालय परिसर क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इसके बाद संबोधन के दौरान पीएम ने बॉलीवुड के लोगों से पूछा, कैसा है जोश। दर्शकों ने हाई सर कहकर जवाब दिया। पीएम मोदी ने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है। आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं। और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं, उस संशोधन के बाद कैमकॉर्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है। जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि समाज में आता हुआ परिवर्तन लोग आइडेंटिफाई करें, उससे पहले ही उसकी झलक फिल्मों में मिल जाती है और मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। कला जगत आने वाले कल को परख लेता है। हम सबको याद है कि आजादी के बाद 60-70 के दशक में श्रीमान मनोज कुमार जी की देशभक्ति से भरी फिल्मों का दौर था। इसके पीछे आजादी के लंबे संघर्ष ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी तरह 70-80 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री होती है, लेकिन जब समाज में काफी सुधार हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रही। आज हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा देने जा रहे थे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन, जो की इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में चलती है, ट्रैक स्टेशन पर पहुंची थी। इस दौरान यात्रियों और परीक्षार्थियों को ट्रेन में चढ़ने को लेकर बवाल हो गया। छात्रों की हजारों से ऊपर की भीड़ थी और ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने गंगा गोमती एक्सप्रेस में पथराव का बतोड़फोड़ शुरू कर दी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।